अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर रुबीना हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ को हूँ कि वो आपकी सेहत, रिस्क और इज्जत में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, हमारा आज का मौजू होम्योपैथिक की अक्सर आज़म दवा सेम्फ्यूरी कार्पस है। ऐसी बच्चियाँ और ख़वातीन जिन्हें प्रेगनेंसी के बाद हर वक्त हाजमे की खराबियां घेरे रखती हों, भूख कभी कम और कभी बहुत ज़्यादा रहती हो, मतली रहती हो, कह आती हो और राल टपकती हो, मुंह का जायका कड़वा और साथ के साथ कब्ज भी रहता हो, तो होम्योपैथिक मेडिसन सेम्फ्यूरी कार्पस कह दूर करने के लिए, बदहजमी दूर करने के लिए और ऐसे तमाम इलामात को दूर करने के लिए अक्सर आज़म का दर्जा रखती है। इसके अलावा माहवारी के दिनों में भी जिन बच्चियों को मतली, कै और बदहजमी हो, हरकत करने से इलामात में इजाफा होता हो और आराम से लेटने से, आराम से रहने से इलामात में कमी वाक़या होती हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसी हालत में सेम्फ्यूरी कार्पस के साथ एपिकोक 30 हेल्पिंग मेडिसन के तौर पर साथ इस्तेमाल करवा दें, तो दोनों दवाओं को मिलाकर देने से बहुत ही जल्द और 100% आफाका होता है। दोस्तों, 100% तो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की ज़ात है, बाकी सब तो 99% ही है, इसलिए 99% यकीनी शफा है इस दवा में। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। अगर आप इल्म की बात से फैज़याब हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, क्योंकि इल्म की बात है, इंसानियत की भलाई की बात है।